बिल गेट्स को चाय पिलाने के बाद डॉली चाय वाले का करियर इतना बूम कर गया कि देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को अपने करियर की टेंशन होने लगी। ये चीजें देखता हूँ तो क्या डॉली चाय वाला देश का नया प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है? अरे अरे ये सब मैं नहीं सोच रहा हूँ, बल्कि जिस हिसाब से डॉली चाय वाले की एटीट्यूड वाली रील्स आ रही है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो डॉली भाई खुद को अब किसी प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं समझ रहे हैं। कौन कहता है एक चाय बेचने वाला रोज रॉयल नहीं खरीद सकता है? हाँ भाई, चाय वाले भी रोज रॉयल खरीद सकते हैं, मगर वो दूसरे चाय वाले हैं जिनकी चाय की टपरी नहीं बल्कि मिलियन डॉलर का बिजनेस है। पर डॉली भाई फिर से एक बार बताना कि तुमने कौन सी गाड़ी खरीदी है। ये एक चाय बेचने वाला रोज रॉयल नहीं खरीद सकता है, रोज रॉयल नहीं खरीद सकता है। ये देखो भाई साहब, से गाड़ी का नाम तो ढंग से लिया ना जा रहा है और बात हो रही है उसी गाड़ी को खरीदने की। मान गया भाई, किसी ने ठीक ही कहा कि अगर भिखारी के हाथ में तुम सोने का कटोरा दे दोगे फिर भी उसको भीख ही मांगनी है। बात तो सही है। भाई साहब, आखिर ये डॉली को हो क्या गया है? कभी रोल्स रॉयस तो कभी लैम्बोर्गिनी ले आ रहा है वीडियो में दूसरों की मांग के। तरीका है भीख मांगने का? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर डॉली के अंदर ये दूसरों की गाड़ियां दिखाकर शो ऑफ करने का चस्का आया कहां से। भाई हमारे घर वाले कहते हैं ना कि जैसी संगत में बैठोगे तुम भी वैसी बन जाओगे। बेचारे डॉली भाई UK07 राइडर से क्या मिले, उसी की तरह भाड़े पे गाड़ियां ला लाके शो ऑफ करना शुरू कर दिया। भाई UK07 राइडर को तो जनता ने जोकर बना दिया था, लेकिन डॉली भाई तुझे तो वो भी नहीं बना पाएगी क्योंकि भाई तूने तो अपना हुलिया पहले से ही जोकर जैसा बना रखा है। चड्ढा समझाओ इसे। और यार यहां पर ये सब देखकर एक बात तो प्रूव होती है कि एक छपरी हमेशा छपरी ही रहता है। बंदे ने बिल गेट्स के साथ कोलैब कर लिया लेकिन हरकतें इसकी अभी वही छपरियों वाली है। अब ये बात आखिर मैं क्यों बोल रहा हूं? तो ये रहा सबूत। डॉली भाई रहा नहीं जाता है, तड़प ही ऐसी है। डॉली भले ही बिल गेट्स से मिल लिया हो लेकिन वो बंदा तो वही पुराना वाला ही रहेगा। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। सर, मार्केट का शेयर गिर गया। क्या मार्केट का शेयर गिरे? या मेरे प्रॉफिट का, पर मेरा नाम नहीं गिरेगा। डॉली भाई पर्सनैलिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो, वो स्टॉक मार्केट के शेयर गिरने की बात कर रहा है, चाय मार्केट के शुगर के प्राइस गिरने की बात नहीं कर रहा है। साला इतनी हवाबाजी तो खुद बिल गेट्स ने नहीं दिखाई जितनी है डॉली उससे मिलने के बाद करने लग गया है। क्योंकि यार डॉली आजकल जितनी हवाबाजी दिखा रहा है उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बिल गेट्स ने अपनी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के आधे शेयर इसके नाम पे कर दिए हो। लेकिन डॉली भाई अब तुम्हारा क्या होगा, क्योंकि हवाबाजी में आगे तुमने तो अपनी जिंदगी भर की कमाई इस बंदे को दे दी। दुनिया में जितने भी सांप है ना, उन सारे के सारे सांप में सबसे जहरीला अगर कोई सांप है तो वो है डॉली चाय वाला। अब यार मेरी तरह आप में से भी बहुत ये सोचते होंगे कि आखिर डॉली दूध में अपनी जीभ लपलपाता क्यों है, क्या ये इसका स्टाइल है? तो भाई स्टाइल विस्टाइल कुछ नहीं, डॉली भाई अपने कस्टमर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए वो हर बार दूध में अपनी जीभ लगाकर ये कंफर्म करते हैं कि दूध फ्रेश है कि नहीं, ताकि उसी कस्टमर को एकदम फ्रेश दूध की चाय मिले। बाकी डॉली भाई का काम सिर्फ चाय बनाने का नहीं है, चाय बनाना तो डॉली भाई का पार्ट टाइम काम है, क्योंकि डॉली भाई फुल टाइम एक मोटिवेशनल स्पीकर है। और यार आज मैं जिस भी मुकाम पर खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल खड़ा नहीं होता अगर मैंने डॉली भाई की मोटिवेशनल वीडियोस ना देखी होती। एक बार आप भी देखो। मिडिल क्लास फैमिली से हूँ भाई, लड़की के नखरे उठाने से ज्यादा घर की जिम्मेदारी उठाने का शौक रखता हूँ। क्या बात कही है डॉली भाई ने, लड़कियों के नखरे उठाने से ज्यादा मुझे घर की जिम्मेदारी उठाने का शौक है, क्योंकि डॉली भाई को भी मेरी तरह कोई लड़की भाव देती नहीं है। लोगों को जलाने के लिए हम नहीं, हमारा तो सिर्फ स्टाइल ही काफी है। मैं बता रहा हूँ डॉली भाई, अगर तुम्हारे इस स्टाइल से कोई बंदा जल रहा है तो उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। वाह भाई क्या बात कही है डॉली भाई ने, आंखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, और भले ही चाय की पतीली में कीड़े पड़ जाए मगर उसको धोना नहीं है। वो मस्ती है और डॉली भाई बोले तो नागपुर की सबसे बड़ी हस्ती है, समझने का काम है बस। भाई तेरी वो बात तो सही है कि डॉली नागपुर की सबसे बड़ी हस्ती है, मगर तू कौन है जो इतना उछल रहा है? है कौन? हम भीड़ के सामने नहीं खड़े होते हैं वकील साहब, भीड़ हमारे सामने खड़ी होती है। अरे डॉली भाई, भीड़ तो तुम्हारे सामने खड़ी होगी ही क्योंकि लोग तुम्हारी टपरी पे चाय पीने आते हैं, लेकिन तुम अपने इस तमाशे के सामने किसी को चाय पिलाते नहीं हो जल्दी, तो इसी वजह से लोगों की भीड़ बढ़ती जाती है तुम्हारे सामने। तो इसमें इतना एटीट्यूड दिखाने वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर किसी दिन किसी कस्टमर की बुद्धि गर्म हो गई तो मार मार के तुम्हारी बुद्धि गर्म कर देगा। और भाई लोग, मार्केट में नाम चल रहा है तो चलने दो, और जमाना जलता है तो जलने दो। अरे भाई दुनिया को बाद में जलाना, पहले अपनी गैस बंद कर दे, वरना तेरा पूरा का पूरा पतीला जल के राख हो जाएगा, फिर ये तेरी जितनी बॉडी बची हुई है पतीला घिसते घिसते वो भी खत्म हो जाएगी। बाकी डॉली भाई की बॉडी तो बहुत है, छाती में इतना पंप आया है कि शर्ट का बटन ही टूट के गिर गया। अब कोई ये नहीं बोलेगा कि पब्लिक ने गुस्सा होकर डॉली भाई के कपड़े फाड़े हैं। और यार डॉली भाई के यहाँ चाय पीने बिल गेट्स चाचा आए थे, ये तो सबने वायरल कर दिया, लेकिन जब फेमस रैपर MC स्टैंड डॉली भाई के यहाँ चाय पीने आया तब किसी ने बात नहीं करी। यस, बिल गेट्स से पहले MC स्टैंड भी डॉली भाई के यहाँ चाय पीने आ चुका है। हाय कौन है भैया? आप MC स्टैंड हो? क्या बात कर रहे हैं?
अपनी महंगी वाली टी पी लाना मामे को। सस्ती भी नहीं पीता भाई, डॉली भाई की इधर रहता नहीं क्या, महंगी थी। 80,000 का शूज है मेरे। 80,000 का शूज भाई, ये पूरा बंदा 800 रुपए का नहीं है और बात कर रहा है 80,000 के शूज की। असली एमसी स्टैन भी जब इन छपरियों को ये सब हरकत करते हुए देखता होगा तो वो भी सोचता होगा, भाई इतना बड़ा छपरी तो मैं हूं नहीं जितना इन लोगों ने मुझे बना दिया है। वो छोटा सा सपना है जनाब, जमीन में जाने से पहले आसमान छूना चाहता हूँ। आप लोग समझे डॉली भाई की बात, आसमान को छूने से क्या मतलब है। डॉली आसमान को तब छू सकता है जब वो स्पेस में जाएगा, और स्पेस में जाने के लिए एक कंपनी काम कर रही है जो है SpaceX, जिसका मालिक है इलॉन मस्क। इसका मतलब डॉली भाई का अगला कोलैब इलॉन मस्क भैया के साथ हो सकता है। वाह क्या डिकोड किया है मैंने, चुप कर बे कुत्ते। लेकिन कहीं ऐसा ना हो डॉली भैया इलॉन मस्क से मिलने जाए और वो इसके दिमाग में अपनी चिप फिट कर दे। ये एक्सपेरिमेंट के लिए ये बढ़िया सब्जेक्ट मिला है। होकर दिखाएंगे उन लोगों को जो कहते हैं कि तू कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में, अब उनको क्या बताएं कि अब मैं क्या हूँ। यार कहीं ऐसा तो नहीं हुआ बिल गेट्स ने डॉली से मिलकर इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया हो, इसी वजह से हमें ये नया डॉली देखने को मिल रहा है। डॉली पहले तो छपरी था लेकिन अब ये छपरी अल्ट्रा प्रो मैक्स बन चुका है। खैर यार इस वीडियो को हम लोग यही खत्म करते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है इसका मतलब वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको पूरी वीडियो में वीडियो का सबसे अच्छा जोक कौन सा लगा। बाकी अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को ऑल पे कर लेना। हाँ अगर आप लोग भी चाहते हो अपनी ऑनलाइन शॉपिंग पे 80-90% डिस्काउंट तो आप लोग ध्यान से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना जिसका नाम है बॉबी उस्ताद डील्स, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगी। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक।